क्वेश्चन इज फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t अपॉन t। ठीक है, आपको इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, यहां पे चेक करते हैं डिवाइड बाय t है, इसका मतलब यहां पे एप्लीकेशन कौन सा होगा, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगा, डिवीजन ऑफ t प्रॉपर्टी होगा। तो डिवाइड बाय t बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर 2t। तो स्टेप 1 इज लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर 2t मुझे सॉल्व करना है। लेकिन आप अगर तो फिर ठीक से फॉर्मूला चेक करोगे 9 फॉर्मूला, उसमें साइन स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, साइन क्यूब कॉस क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको करना क्या होता है, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो इसका कन्वर्जन होता है 1 cos 2θ / 2। मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल एंगल होगा, क्या होगा, डबल एंगल। सो मैं वही यहाँ पे यूज कर रहा हूं, हियर इज इक्वल टू लैपलास ऑफ, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या होगा, 1 cos 2θ, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल एंगल होगा। 2t का डबल एंगल क्या होगा, 4t, इट्स अ 4t अपॉन 2, अपॉन 2 हो गया, क्लियर है। एंड देन ये कन्वर्जन हो गया। अभी मुझे तो इसका इधर पावर है क्या, नहीं है, और इसका मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सो इसमें 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर लिया, तो लैपलास ऑफ 1 cos 4t बचेगा, एंड उसका आंसर आपको लिखना है। तो लैपलास ऑफ 1, फॉर्मूला नंबर 1, लैपलास ऑफ 1 का आंसर क्या है यहां पे, 1/s, फॉर्मूला नंबर 1, सो ब्रैकेट 1/s माइनस cos 4t, फॉर्मूला नंबर 6, cos 8t का फॉर्मूला, cos 8t का फॉर्मूला क्या है, s / s² + a स्क्वायर। तो a का वैल्यू यहां पे 4 है, तो s / s² + 4 स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर, ठीक है, हो गया आंसर। ये हो गया आप किसका आंसर, लैपलास ऑफ sin स्क्वायर 2t का आंसर हो गया, ठीक है। देन अभी आपको क्या करना है, उसके डिवाइड बाय t है ना, तो डिवीजन ऑफ t यूज करेंगे, स्टेप 2, डिवीजन ऑफ t। सो एग्जैक्टली क्या होगा, लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर 2t, तो क्वेश्चन है आपका, राइट है, ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया। डिवाइड बाय t जैसे ही आता है तो डिवीजन ऑफ t का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ s ds, इंटीग्रेट करना आपको s टू इंफिनिटी ds, और फंक्शन कौन सा होंगे, फंक्शन ऑफ s यहां पे लिखोगे आप लोग, तो फंक्शन ऑफ s कौन सा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, यही फंक्शन ऑफ s है, यही क्या आपका फंक्शन ऑफ s है। सो आप लोग यहां पे क्या करो, अभी इसमें ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट लिया मैंने, s टू इंफिनिटी, फंक्शन ऑफ s मींस व्हाट, 1/s - s / s² + 4² ds, हो गया। देन मैं काम करता हूं, अभी 1/2 एज इट इज, मुझे इंटीग्रेट दोनों को करना है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/s ds सेपरेट कर दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s² + 4² सेपरेट कर दिया मैंने, क्लियर है। आफ्टर दैट यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका लिमिट से s टू इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी, देन 1/s जो है, 1/s इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/s ऑफ ds इज इक्वल टू व्हाट, log s होता है, क्या होता है, 1/s का क्या होता है, log s, नीचे s का पावर 1 रहेगा तो log। अभी यहां पे s का पावर 1 है क्या, नहीं है, यहां पे 2 है, ये अगर 1/s² + a² 1 होता तो tan इनवर्स करते, 1 होता तो tan इनवर्स करते, लेकिन यहां पे ऊपर s है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी है f of s, नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव, ये कभी यूज करोगे ऊपर s रहेगा तो नीचे क्या है, मुझे होता है s² + 4² है, s² का डेरिवेटिव होता है 2s, क्या होता है 2s, यहां पे s है तो मुझे वहां पे 2 एडजस्ट करना है, और 4² का डेरिवेटिव है 0, तो मुझे क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। सो 2s / 2,
सो इसका आंसर क्या होगा, अगर नीचे एफ ऑफ एस है उसका डेरिवेटिव ऊपर अगर अवेलेबल है तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एस, जो नीचे है ना उसका लॉग होता है। तो चेक करते हैं, एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एस, यहाँ पे एक्चुअली टू एस नहीं था, मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू एंड डिवाइड बाई टू कर दिया, जिससे क्या होगा डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया, डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज वन बाई टू, पहले इसका बताओ आंसर, वन अपॉन एस का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग एस माइनस ये वन बाई टू एज इट इज, और ये टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है ना, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस, फोर का जीरो होता है तो अवेलेबल है, इसलिए हम लोग लॉग फंक्शन ऑफ एस मतलब डिनोमिनेटर, तो लॉग एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एस टू इंफिनिटी, क्लियर है। अभी क्या करना है आपको, इसमें ये इंफिनिटी पुट अप कर देना है। मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इसको कंबाइन कर देता हूं, कैसे सबसे पहले हम लोग ये इनटू है ना लॉगरिथम में, इनटू में कुछ रहेगा तो वो रेस्टू में चलाता है, कहां पे चलाता है रेस्टू में, दैट मींस फॉर्मूला कैसा है देखो उसका, समथिंग एम लॉग एन रहेगा तो वो क्या होता है, सपोज यहां पे एन है तो लॉग ये एन जो है वो रेस्टू में चलाता है, एम रेस्टू एन ऐसा फॉर्मूला है उसका, तो यहां पे 1 बाई 2 यहां पे रेस्टू में चला जाएगा। सो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा समथिंग, मैं रफ कर देता हूं, आपका इक्वेशन कुछ समथिंग ऐसा बनेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं देन शिफ्ट करता हूं आप, लॉग एस एज इट इज माइनस ये 1 बाई 2 रेस्टू में गया तो लॉग एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, और 4 स्क्वायर मतलब कितना होता है 16 ना राइट, होल रेस्ट टू 1 बाई 2 एस टू इंफिनिटी, मैंने शिफ्ट किया। इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों लॉग मुझे कंबाइन करने के लिए यूज होगा। अभी और एक फॉर्मूला है, लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, नीचे माइनस रहेगा तो वो दोनों एक ही लॉग हो जाएगा डिवाइड में आएगा, तो भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या था, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t अपॉन टी, ये क्वेश्चन था राइट है। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 बाई 2 एज इट इज ब्रैकेट, ये दो लॉग है बीच में माइनस है तो दोनों का एक ही लॉग हो जाएगा लॉग एन डिवाइड में आएगा, ऊपर क्या होगा ये पहला वाला टर्म ऊपर आएगा एस और नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस 16 द होल रेस टू 1 बाई 2 एस टू इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी। देन अभी क्या करो, इंफिनिटी पुट अप करो, तो लॉगरिथम में ध्यान में रखो कभी भी ऐसे डिवाइड में टर्म रहेगा, ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, अगर एस स्क्वायर को बाहर निकाला तो वो रूट हो जाएगा एस बचेगा जो भी, तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू आप डायरेक्टली जीरो लो, एक्चुअली नहीं होता है लॉग ऑफ इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, यहाँ ऊपर इन्फिनिटी होगा नीचे भी इन्फिनिटी होगा उसका आंसर जीरो होता है, तो वो हम लोग कैसे है मैंने प्रीवियस सम में बताया था, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, मैं आपको चाहिए तो वापस एक बार बाद में बता दूंगा। So here 1 by 2 as it is, log of infinity is 0, मतलब 0 put कर दिया मैंने, minus log, अभी क्या करना आपको, s के जगह पे s ही put up करना, मतलब वही होगा ना, तो क्या होगा आंसर, यही आंसर होगा, s के जगह पे s put किया तो s upon s square plus 16 raised to 1 by 2, ठीक है, and then last answer is ये 1 by 2 as it is, logarithm का rule है, अगर बाहर minus रहेगा तो ये जो डिवाइड का टर्म है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे, डिनोमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर पे और वो माइनस निकल जाएगा, तो लॉग क्या हो गया पे एस स्क्वायर प्लस 16 रेज टू 1 बाई 2 अपॉन एस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज, मैं पूरा लिख रहा हूं, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t is equal to 1 upon 2 log upon s है, और ये power है मतलब वो root है, power 1 by 2 मतलब क्या होता है root, s square plus 16, this is your final answer, mark कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया complete, ठीक है। एक बार shortly revise करके बता दूँ आपको मैं, क्या है shortly देखो, पहले क्या करोगे आप लोग,
साइन स्क्वायर टू टी अपॉन टी है, तो पहले आप लोग साइन स्क्वायर टू टी का लैपलास निकालोगे क्योंकि डिवीजन ऑफ टी बाद में अप्लाई करना आपको, लेकिन साइन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लैपलास में, इसलिए मैंने ट्रिगो का हेल्प लिया और उसको कन्वर्ट किया। साइन स्क्वायर का कन्वर्ट होता है 1 माइनस कॉस, और ये 2t का डबल एंगल 4t अपॉन 2, कॉस स्क्वायर रहेगा तो प्लस आएगा, बस इतना ही चेंज है। देन 2 साइड में लिया कांस्टेंट 1 का एंड कॉस 4t का लैपलास का आंसर निकाला मैंने, वो आपका जो होता है वो फंक्शन ऑफ s होता है, देन उसका यूज बाद में करना आपको। तो डिवीजन ऑफ t का फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ ds, ये फंक्शन ऑफ s है वो लिख लिया मैंने। इसमें क्या हो गया, ये 1 बाय s का इंटीग्रेशन सिंपल होता है log s, ये सिंपल है। यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ऊपर अगर s आता है तो हम लोग को कुछ एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एडजस्ट करना है। तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s है, तो एक्चुअली 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ठीक है, एंड देन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो 1 बाय 2 डायरेक्ट एडजस्ट करो log ऑफ डिनोमिनेटर, एक स्टेप कम हो जाएगा। देन अभी क्या है, इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट अप के तो लॉग इन्फिनिटी, एक्चुअली लॉग इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू डिफरेंट है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर लॉग में 2 ऊपर एंड नीचे s रहेगा तो इन्फिनिटी पुट किया तो वो जीरो हो जाता है। सो इसलिए उसको मैंने डिवाइड में लाने के लिए मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, पहले 1 बाय 2 रेस्ट में डाल दिया क्योंकि मैं डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकता। अभी 2 लॉग बच गया, बीच में माइनस है, तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n, डिवाइड हो गया तो log m upon n हो गया, ये डिवाइड में आ गया, और अभी इंफिनिटी पुट अप किया तो वो हो जाता है 0, ठीक है। डायरेक्ट आप 0 लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम मे बी रॉन्ग हो सकता है और रॉन्ग दे सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट इंफिनिटी पुट अप किया दोनों जगह पे आप 0 लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व करो। देन s पुट अप किया तो वही इक्वेशन सेम आएगा, लेकिन बाहर माइनस आ गया, और अगर बाहर log के माइनस रहेगा तो वो क्या होता है, अंदर का जो टर्म है वो रेसिप्रोकेट होता है, न्यूमरेटर आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है। और मैंने रेस्ट 1 बाय 2 को रूट मेंशन किया, दोनों सेम है, आप नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। और ये रेड मार्क में मैंने आपको जस्ट रेफरेंस के लिए फॉर्मूला दिया, वो लिखा नहीं तो भी चलेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला दिया, ठीक है, चलो लिखो।